दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन का मुद्दा गर्मजोशी से उठा हुआ है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उनके सांसद प्रवेश वर्मा ने फिर से बयान दे डाला है और उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो शाहीन बाग का धरना घंटे भर में खत्म कराएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को केजरीवाल और उनके नेताओं का समर्थन मिल रहा है, ये धरना इसलिए चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये राजीव फिरोज गांधी की सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो झुकने वाली नहीं है। राजीव फिरोज गांधी ने भले ही शाहबानो फैसले को पलट दिया हो लेकिन CAA पर मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। बता दें कि प्रवेश वर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए भड़काऊ बयान के बाद उन पर चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग ने उन पर 96 घंटों का बैन लगाया था। उसके बाद से उनकी पत्नी ने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने एक अनोखा तरीका याद किया था। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा मुंह पर पट्टी बांधकर अपने सरकारी निवास स्थान पर धरने पर बैठ गए थे। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।